क्या आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं? आपका अपना एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। आप भी सोच रहे हैं कि आपका जो कस्टमर है हमेशा आपके पास ही आए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बिजनेस मित्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रेस योर कस्टमर। अपने जो कस्टमर हैं उसको हम इम्प्रेस कैसे करें, हम उसको रिटेन कैसे करें, हम अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर पक्का कैसे करें कि वो जब भी कुछ परचेज करने के लिए आए तो वो हमारे पास ही आए। तो हाउ टू रिटेन, फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला, अगर कोई कस्टमर आपके शॉप में आता है, आपके बिजनेस में एंटर करता है आपसे कुछ परचेज करने के लिए, तो सबसे पहले वो पहले ही जैसे ही एंटर करता है वैसे उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्योंकि वो पहली बार आया है कि ये दुकान जो है वो कैसी होगी, शॉप कैसा होगा, इसका ऑनर कैसा होगा, कैसा बिहेव होगा इनका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका बिहेव। आप कैसे व्यवहार करते हैं अपने कस्टमर के साथ, इसी से मेजोरिटी है कि डिसाइड हो जाता है कि वो अगली बार आपके पास आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद डिसाइड करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि आपने जो भी प्रोडक्ट अपने शॉप में मेंटेन किए हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपके जो भी स्टाफ जो काम कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, उनको भी ये चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एक स्माइल होना चाहिए उनके फेस पे जब भी वो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जब भी वो कस्टमर से बातचीत करते हैं। तो और आई कांटेक्ट, स्माइल के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए जब भी कस्टमर आपसे बात कर रहा हो, जब भी कस्टमर आपसे बात करे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए विद स्माइल। उसके बाद जो भी कस्टमर बोलता है उसको आप केयरफुली सुनिए, क्योंकि उसे ये लगता है कि हाँ आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप उसे नेगलेक्ट करेंगे श्योर वर्क अगली बार वो आने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कन्फर्म करिए कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, आई कांटेक्ट रखिए और एक स्माइल रखिए, एक रियल स्माइल। फ्रेंड्स, जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप में कुछ परचेज करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इन केस अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है और आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको रिकमेंड करिए कि वो चीज़ कहाँ मिल सकती है। ऐसा नहीं कि वो आपके पास आया है और आपने बोल दिया नहीं मेरे पास नहीं है और वो चला जाए। नहीं, ये बिज़नेस को ग्रो करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, उसको नहीं मिलता है, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको रिकमेंड करिए कि ठीक है आप बगल वाले शॉप में ले लीजिए या वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी या वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप अपने कस्टमर को इम्पोर्टेंस देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कुछ भी लेना हो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि इससे पहले जब वो आया था आपने उसको गाइड किया था कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ मिल सकता है या जो जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है उसका सोल्यूशन आपने उसको बताया था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में एक रिलेशन जो है वो बिल्डअप करती हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई कस्टमर आपके शॉप में आता है उसको एक एश्योरेंस चाहिए होता है, एक गारंटी चाहिए होती है जो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने ये तीन चीज़ें देख ली, तीन चीज़ें अगर आपने कस्टमर के लिए अगर आपने कर दिया तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाला है। पहली बात कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा आपको रिस्पेक्ट देने आना चाहिए, और तीसरा जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आपके इन्वेंट्री में मौजूद है, उन सब पे आपकी एश्योरेंस होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट है और ये बेस्ट है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे पास लेके आ जाइए, मेरे को उसको रिटर्न कर दीजिए। ऐसा कभी होने वाला तो नहीं है, बट फिर भी इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप उसे एश्योरेंस दीजिए। फ्रेंड्स, जो भी कस्टमर के पहली बार आया है और ये तीन चीज़ें आपने दे दी, वो कस्टमर डेफिनेटली कभी कहीं नहीं जाने वाला। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल में जो है कि आपके कस्टमर को इम्प्रेस करना है तो यही तीन चीज़ें हैं जो कस्टमर को इम्प्रेस कर देती हैं और वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि हम अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर रिटेन कैसे करें, अपने कस्टमर को हम इम्प्रेस कैसे करें, अपने कस्टमर को हम अपने बिजनेस के अंदर पक्का कैसे करें कि वो जब भी अगली बार आए वो आपको ही चूज़ करे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अपने फ्रेंड बिजनेस मित्रा के साथ। थैंक यू।